कि आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज कैसी चल रही हैं, आपने स्टेटेड पोर्टफोलियोज में क्या एडिशन किए हैं, कुछ थॉट प्रोसेस आपसे समझना चाहेंगे। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इन सारे स्टॉक्स में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है। सबने 4 साल पहले, 5 साल पहले एक्चुअली जीएमएम फॉडलर लिया था, वो अच्छा चला और उसकी जो सोच थी कि एक बड़ा इंडस्ट्री जो बड़ा बड़ा आगे भागेगा उसका एक एंसिलरी, एक अहम एंसिलरी प्लेयर लिया जाए जिसके बिना उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स काम नहीं कर सकते। तो जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइंड रिएक्टर्स बनाता है, सेरामिक रिएक्टर्स बनाते हैं जिसका इस्तेमाल इंडिया के सारे बड़े दवाई के कंपनीज, फार्मा कंपनीज करते हैं। उसी सोच के बेसिस पे हमने आरएचआई मैग्नेसीटा में निवेश किया है लास्ट 1 महीने में। आरएचआई मैग्नेसीटा रिफ्रैक्टरीज बनाती है, बेसिकली ब्रिक्स बनाती है जो फर्नेस के अंदर जाता है। सो स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ग्लास प्लांट, इसके अंदर जो फर्नेस है उसमें आरएचआई मैग्नेसीटा का जो लाइनिंग है वो आवश्यक है, नहीं तो फर्नेस फर्नेस में दिक्कतें आ जाती हैं। 40% मार्केट शेयर है दुनिया भर में, 40% मार्केट शेयर सॉरी इंडिया में है, वर्ल्ड में 35% मार्केट शेयर है, वर्ल्ड लीडर है। आंकड़े जो क्रिटिकल मेट्रिक्स है, 30-35% का आरओसी, करीबन 15-20% का ऑपरेटिंग मार्जिन, अच्छे मेट्रिक्स हैं, मार्केट लीडिंग प्लेयर के मेट्रिक्स हैं। और हमारे देश में स्टील साइकिल, जो कैपेक्स साइकिल, मेरे ख्याल से स्टील साइकिल 8% के आसपास ग्रोथ दिखाएगा एंड देयरफॉर उसके अंदर आरएचआई मैग्नेसीटा स्टील सप्लायर्स के लिए आरएचआई मैग्नेसीटा एक अहम सप्लायर बन के रहेगा, हमारी ये उम्मीद है। सो ये हमारा मेन एडिशन रहा है लिटिल चैम्प्स में। अमृतांजन से हम एग्जिट किए हैं, अमृतांजन से हम एग्जिट किए एक्चुअली, जस्ट टू बी क्लियर, अमृतांजन से हम लिटिल चैम्प्स में एग्जिट लिए हैं। हमको 4 साल में डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा कमा के दिया अमृतांजन, बट इंडिया में जो 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 छोटा छोटा इन जो लो इनकम वाली श्रेणी है उसकी कोविड के बाद थोड़ी सी पिटाई हुई है। कोविड के बाद जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसकी थोड़ी पिटाई हुई है और उसके बेसिस पे